राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जेजेएम को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवाने थाने में पहुंच चुके हैं, हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन सर जिस तरीके से आरोप एक राज्यसभा सांसद लगा रहे हैं, आपके ऊपर सीधे से व्यक्तिगत नाम आ रहा है, सीधे तौर पर आईएएस का नाम आ रहा है जो एसीएस हैं, क्या मंशा आपको लगती है किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद अगर कोई आरोप लगाए तो वो आरोप क्या गंभीरता से नहीं लेने चाहिए? पहली बात तो ये, क्या पुलिस को मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था? आरोप लगाने वाले में भी तो गंभीरता होनी चाहिए, ये क्या आरोप लगा रहे हैं। पूरी टेंडर तय करने की प्रक्रिया में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। आज मैं केंद्र सरकार में कोई गलत काम हो जाए और मैं किसी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाऊं और उन आरोपों को जबानी तौर पर मैं ले जाके और किसी थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहूँ, क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? ये तो सोचेंगे थाने वाले, दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर दर्ज होने लायक दर्ज करें ना, जाँच करें, हमको जाँच से नहीं डर रहे। किसी भी तरीके की जाँच जेजेएम के काम की हो, किसी और बात की हो, सहर्ष स्वीकार्य है, हर जाँच में सहयोग करने को तैयार हैं। वो जाँच किसी भी स्तर की हो, हम जाँच में सहयोग करने को तैयार हैं। कोई तथ्य तो होने चाहिए उस टेंडर प्रक्रिया में जिसकी वो बात कर रहे हैं। मेरी एसीएस की क्या भूमिका? टेंडर प्रक्रिया का एक सिस्टम होता है, जाँच होती है, टेक्निकल कमेटी होती है, एक विड एवोल्यूशन कमेटी होती है, सारी चीज़ों की जांच होती है। जांच होने के बाद टेंडर दिया जाता है, फिर भी वर्क ऑर्डर दिया जाता है, और फिर भी अगर कोई कमी रही तो उसकी जांच होती है। आगे भी डिपार्टमेंट तो खुला है कि अगर कोई शिकायत देगा हम उसकी जांच कराएंगे। 20,000 करोड़ रुपए के आरोप लगा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के कुल जो काम देने थे वो टेंडर हम पहले जनवरी में निरस्त कर चुके हैं, अब आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब या तो उनको ये सुहा नहीं रहा है कि वो क्यों टेंडर निरस्त कर दिए, या जो अब जो टेंडर हो रहे हैं उनमें वो दबाव बनाना चाहते हैं। कोई ना कोई बात तो उनके मन में है। आज केंद्र सरकार उनकी, केंद्र का जो मिशन है एनजेजेएम, उन्होंने आज तक हम पे आपत्ति नहीं करी और ये आपत्ति कर रहे हैं, मतलब अपनी ही केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है कि वो किसी की नहीं सुनते, जो उनके स्वार्थों की पूर्ति करे, उनके हितों की पूर्ति करे, उस बात को वो हमेशा प्राथमिकता देते हैं। जल शक्ति मंत्री तो उनकी पार्टी के हैं सर, क्या उनके पास डिटेल नहीं भेजी उन्होंने, या फिर कोई और राजनीति चल रही है? महेश जोशी स्पेशली टारगेट हो रहे हैं, पहले भी एक मामला आया और अब भी फिर सब देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई को न तो दबाया जा सकता न छुपाया जा सकता, जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने है और हमेशा बनी रहेगी। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है इसको, और क्या, ये एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है जो वो दबाव बना रहे हैं। महेश जोशी का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि आरोप तो आप पे लग रहे हैं सर। महेश जोशी ने पहले भी कहा था मेरे पे कोई आरोप प्रारंभिक रूप से भी अगर सही पाए जाएंगे तो मैं खुद ही अपने आप को सजा दे लूँगा, किसी को मेरे से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मैंने हमेशा शुचिता का जीवन जिया है और आगे भी ऐसा ही बना, मानहानि का मैं दिखाऊंगा, अगर मानहानि का मुकदमा बनता है तो वो भी करूँगा। महेश जोशी थे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का मामला है और जब इन्होंने टेंडर ही 20,000 करोड़ के निरस्त कर दिए हैं तो फिर आरोप कैसे बनते हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखा।